बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आपको मैं अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आप खून की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, बच्चे हो बड़े हों, आप एनीमिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी को, खून की कमी को किस तरह से बहुत तेज़ी से आप पूरा कर सकते हो, और इससे आपके जो गाल हैं, गालों पे ऐसा खून होगा कि आपके गाल लालो लाल हो जाएंगे, मतलब लाल गुलाबी नज़र आएंगे। तो आइए जानते हैं इसके लिए क्या आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसको बनाने के लिए चाहिए वो है दही। आपने एक छोटी कटोरी दही लेनी है। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है किशमिश। मेवा, मेवा हड्डियों को मज़बूत करता है, ये खून की कमी को पूरा करता है और ये हड्डियों को जैसे मज़बूत करता है। और आपको पता है किशमिश में, मेवे में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और बहुत सारे ऐसे दूसरे कंपाउंड पाए जाते हैं। आप तकरीबन 10 किशमिश के दाने ले लें, मेवा ले लें। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है खुश्क आलू बुखारा, ये भी आपको पंसारी से आसानी मिल जाएगा। ड्राई प्लम्स आप ले लें, ठीक है। आपने तकरीबन 3 आलू बुखारे लेने हैं, खुश्क आलू बुखारे, ये भी आयरन की कमी को पूरा करते हैं, खून की कमी को पूरा करते हैं। नेक्स्ट में आपने जो चीज़ लेनी है वो है आलू बुखारे की, आप गुठली निकाल दीजिएगा और उसे आप किशमिश में डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो है खजूर। आपने कोई भी खजूर लेनी है, अजवा हो, कोई भी हो, मबरून हो, आम खजूर हो, कुछ भी ले लें। इसमें वाफिर मकदार में प्रोटीन, आयरन पाए जाते हैं जो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ऐसा करें, एक खजूर ले लें या 3 खजूरें ले लें और उसकी गुठली निकाल कर इसमें डालें, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें, जिस तरह से शेक बनाया जाता है, तो आपने दही की मदद से इसका शेक बनाना है, ठीक है। ये पेस्ट बन जाएगा, आप इस पेस्ट को खा लें। चाहे तो आप इसमें थोड़ी बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं या फ्रिज में रखे थोड़ा ठंडा कर सकते हैं। रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें और कुछ ही दिन में आप देखोगे आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होने लगेगी और आपके जो गाल हैं, आपके गालों पे लालगी आएगी। जैसे आपको पता है पठान लोगों के लालगी होती है, कितना प्यारा लगता है चेहरा और कशिश होती है, उस तरह आपके फेस पे हो जाएगी। लेकिन आपको बताऊँ, शुगर के जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो लोग इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके बहुत जल्द अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसको ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।